अब सुनिए प्रेमचंद की कहानी दो बहनें। दोनों बहनें 2 साल के बाद एक तीसरे नातेदार के घर मिलीं और खूब रो धोकर खुश हुईं। तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई है, उसका रंग खुल गया है, स्वभाव में कुछ गरिमा आ गई है और बातचीत करने में ज़्यादा चतुर हो गई है। कीमती बनारसी साड़ी और बेलदार उन्नावी मखमल के जम्पर उसके रूप को और चमका दिए हैं। वही राम दुलारी लड़कपन में सिर के बाल खोले फूहड़ सी इधर उधर खेला करती थी। अंतिम बार रूप कुमारी ने उसे उसके विवाह में देखा था 2 साल पहले। तब भी उसकी शक्ल सूरत में कुछ ज़्यादा अंतर न हुआ था। लंबी तो हो गई थी मगर थी उतनी ही दुबली, उतनी ही फूहड़, उतनी ही मंद बुद्धि, जरा जरा सी बात पर उठने वाली। मगर आज तो कुछ हालत ही और थी, जैसे कली खिल गई हो। और यह रूप इसने छिपा कहाँ रखा था? नहीं, आंखों को धोखा हो रहा है शायद। यह रूप नहीं केवल आंखों को लुभाने की शक्ति है, रेशम और मखमल और सोने के बल पर वह रूप रेखा थोड़े ही बदल जाएगी, फिर भी आंखों में समाई जाती है। 50 स्त्रियां जमा हैं मगर यह आकर्षण, यह जादू और किसी में नहीं। कहीं आईना मिलता तो वह जरा अपनी सूरत भी देखती। घर से चलते समय उसने आईना देखा था। अपने रूप को चमकाने के लिए जितना सान चढ़ा सकती थी उससे कुछ अधिक ही चढ़ाया था। लेकिन अब वह सूरत जैसे स्मृति से मिट गई है, उसकी धुंधली सी परछाई भर हृदय पट पर है। उसे फिर से देखने के लिए वह बेकरार हो रही है। वह अब तुलनात्मक दृष्टि से देखेगी, राम दुलारी में यह आकर्षण कहाँ से आया, इस रहस्य का पता लगाएगी। यूँ उसके पास मेकअप की सामग्रियों के साथ छोटा सा आईना भी है, लेकिन भीड़ भाड़ में वह आईना देखने या बनाव श्रृंगार की आदि नहीं है। ये औरतें दिल में न जाने क्या समझें, मगर यहाँ कोई आईना तो होगा ही, ड्राइंग रूम में जरूर ही होगा। वह उठकर ड्राइंग रूम में गई और कद्दे आदम शीशे में अपनी सूरत देखी। वहाँ इस वक्त और कोई न था, मर्द बाहर सहन में थे और औरतें गाने बजाने में लगी हुई थी। उसने आलोचनात्मक दृष्टि से एक एक अंगों के एक एक विन्यास को देखा। उसका अंग विन्यास, उसकी मुख छवि निष्कलंक है, मगर वह ताजगी, वह मादकता, वह माधुर्य नहीं है। हाँ, नहीं है, वह अपने को धोखे में नहीं डाल सकती। कारण क्या है? यही कि राम दुलारी आज खिली है, उसे खिले जमाना हो गया। लेकिन इस ख्याल से उसका चित्त शांत नहीं होता। वह राम दुलारी से हेठी बनकर नहीं रह सकती। ये पुरुष भी कितने गाउदी होते हैं, किसी में भी सच्चे सौंदर्य की परख नहीं। इन्हें तो जवानी और चंचलता और हाव भाव चाहिए, आंखें रखकर भी अंधे बनते हैं। भला इन बातों का आपसे क्या संबंध? ये तो उम्र के तमाशे हैं। असली रूप तो वह है जो समय की परवाह न करे। उसके कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो यह सारा जादू कहाँ उड़ जाता है। चुड़ैल सी नजर आए मगर इन अंधों को कौन समझाए। मगर राम दुलारी के घर वाले तो इतने संपन्न न थे। विवाह में जो जोड़े और गहने आए थे वे तो बहुत ही निराशाजनक थे। खुशहाली का दूसरा कोई सामान भी न था। इसके ससुर एक रियासत के मुख्तार आम थे और दुल्हा कॉलेज में पढ़ता था। इस 2 साल में कहां से यह बरस गया, कौन जाने। गहने कहीं से मांग लाई हो, कपड़े भी मांगे हो सकते हैं। कुछ औरतों को अपनी हैसियत बढ़ाकर दिखाने की लत होती है। तो वह स्वांग राम दुलारी को मुबारक रहे, मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ। प्रदर्शन का यह रोग कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं है। मर्द 25-30 रुपए पर कलम घिस रहा है, लेकिन देवी जी घर से निकलेंगी तो इस तरह बन ठन कर मानो कहीं की राजकुमारी हैं। बिसातियों के और दर्जियों के तकाजे सहेंगी, बजाज के सामने हाथ जोड़ेंगी, शौहर की घुड़कियाँ खाएंगी, रोएंगी रूठेंगी, मगर प्रदर्शन के उन्माद को नहीं रोकती। घर वाले भी सोचते होंगे कितनी छिछोरी तबीयत है इसकी।
मगर यहाँ तो देवी जी ने बेहयाई पर कमर बांध ली है। कोई कितना भी हंसे, बेहया की बला दूर। उन्हें तो बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाएं उधर लोग हृदय पर हाथ रख कर रह जाएं। राम दुलारी ने जरूर किसी से गहने और जेवर मांग लिए, बेशर्म जो ठहरी। उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की लाली दौड़ गई। न सही उसके पास जेवर और कपड़े, उसे किसी के सामने लज्जित तो नहीं होना पड़ता, किसी से मुंह तो नहीं चुराना पड़ता। एक एक लाख के तो उसके दो लड़के हैं, भगवान उन्हें चिरायु करे, वह इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से जीवन का उद्देश्य नहीं पूरा हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं पर उनकी इज्जत तो है, किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी का श्राप तो नहीं लेते। इस तरह अपने मन को ढाढ़स देकर वह फिर बरामदे में आई तो राम दुलारी ने जैसे उसे दया की आंखों से देख कर कहा, जीजा जी की कुछ तरक्की वरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 रुपये पर कलम घिस रहे हैं? रूप कुमारी की देह में आग सी लग गई। ओफो रे दिमाग, मानो इसका पति लाट ही तो है। अकड़कर बोली, तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है। आजकल यह भी गनीमत है, नहीं अच्छे अच्छे MA पासों को देखती हूँ कि कोई टके को नहीं पूछता। तेरा शौहर तो अब BA में होगा। राम दुलारी ने नाक सिकोड़ कर कहा, उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया बहन, पढ़कर औकात खराब करना था और क्या। एक कंपनी के एजेंट हो गए हैं, अब 250 रुपये माहवार पाते हैं कमीशन ऊपर से, 5 रुपये रोज सफ़र खर्च के भी मिलते हैं। यह समझ लो कि 500 का औसत पड़ जाता है। 150 माहवार तो उनका निज खर्च है बहन, ऊंचे ओहदे के लिए अच्छी हैसियत भी तो चाहिए। 350 बेदाग घर दे देते हैं, उसमें से 100 रुपये मुझे मिलते हैं, 250 में घर का खर्च खुशफैली से चल जाता है, MA पास करके क्या करते। रूप कुमारी इस कथन को शेख चिल्ली की दास्तान से ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहती, मगर राम दुलारी के लहजे में इतनी विश्वासोत्पादकता है कि वह अपनी निम्न चेतना में उससे प्रभावित हो रही है और उसके मुख पर पराजय की खिन्नता साफ झलक रही है। मगर यदि उसे बिल्कुल पागल नहीं हो जाना है तो इस ज्वाला को हृदय से निकाल देना पड़ेगा, जिरह करके अपने मन को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि इसके काव्य में 1/4 से ज़्यादा सत्य नहीं है। 1/4 तक वह सह सकती है, इससे ज़्यादा उससे न सहा जाएगा। इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है कि नहीं, यह कथा सत्य निकली तो वह राम दुलारी को कैसे मुंह दिखाएगी। उसे भय है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू न निकल पड़े, कहाँ 75 और कहाँ 500, इतनी बड़ी रकम आत्मा की हत्या करके भी क्यों ना मिले। फिर भी रूप कुमारी के लिए असह्य है, आत्मा का मूल्य अधिक से अधिक 100 रुपये हो सकता है, 500 किसी हालत में भी नहीं। उसने परिहास के भाव से पूछा, जब एजेंटी में इतना वेतन और भत्ता मिलता है तो ये सारे कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते, हजारों लड़के क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करते हैं। राम दुलारी बहन के खिसियानेपन का आनंद उठाती हुई बोली, बहन तुम यहाँ भूल कर रही हो, MA तो सभी पास हो सकते हैं, मगर एजेंटी बिरले ही को किसी किसी को आती है, यह तो ईश्वर की देन है। कोई ज़िंदगी भर पढ़ता रहे मगर यह ज़रूरी नहीं कि वह अच्छा एजेंट भी हो जाए, रुपए पैदा करना दूसरी बात है, आलिम फाजिल हो जाना दूसरी बात, अपने माल की श्रेष्ठता का विश्वास पैदा कर देना, यह दिल में जमा देना कि इससे सस्ता और टिकाऊ माल बाज़ार में मिल ही नहीं सकता, आसान काम नहीं है। 1 से 1 घाघों से उनका साबका पड़ता है, बड़े बड़े राजाओं और रईसों का मत फेरना पड़ता है, तब जाके कहीं माल बिकता है। मामूली आदमी तो राजाओं और नवाबों के सामने ही ना जा सकें, पहुँच ही ना हो, और किसी तरह पहुँच भी जाएं तो जबान न खुले। पहले पहल तो इन्हें भी झिझक हुई थी, मगर अब तो इस सागर के मगर हैं, अगले साल तरक्की होने वाली है। रूप कुमारी की धमनियों में रक्त की गति जैसे बंद हुई जा रही है, निर्दयी आकाश गिर क्यों नहीं पड़ता, पाषाण हृदय धरती फट क्यों नहीं जाती। यह कहाँ का न्याय है कि रूप कुमारी जो रूपवती है, तमीजदार है, सुघड़ है,
पति पर जान देती है, बच्चों को प्राणों से ज़्यादा चाहती है, थोड़े में गृहस्थी को इतने अच्छे ढंग से चलाती है, उसकी तो यह दुर्गति और यह घमंडिन, बदतमीज, विलासिनी, चंचल, मुँहफट छोकरी जो अभी तक सिर खोले घुमा करती थी रानी बन जाए। मगर उसे अब भी कुछ आशा बाकी थी, शायद आगे चलकर उसके चित्त की शांति का कोई मार्ग निकल आए। उसी परिहास के स्वर में बोली, तब तो शायद 1000 मिलने लगे। 1000 तो नहीं, पर 600 में संदेह नहीं। कोई आंखों का अंधा मालिक फंस गया होगा। व्यापारी आंखों के अंधे नहीं होते दीदी, उनकी आंखें हमारी तुम्हारी आंखों से कहीं तेज होती है। जब तुम उन्हें 6000 कमा कर दो, तब कहीं 600 मिलें। जो सारी दुनिया को चराए, उसे कौन बेवकूफ बनाएगा। परिहास से काम न चलते देखकर रूप कुमारी ने अपमान का अस्त्र निकाला। मैं तो इसे बहुत अच्छा पेशा नहीं समझती, सारे दिन झूठ के तुमार बांधो, यह तो ठग विद्या है। राम दुलारी जोर से हंसी, बहन पर उसने पूरी विजय पाई थी। इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं सब ठग विद्या करते हैं, अपने मुवक्किल के फायदे के लिए उन्हें क्या नहीं करना पड़ता, झूठी शहादतें तक बनानी पड़ती हैं। मगर उन्हीं वकीलों और बैरिस्टरों को हम अपना लीडर कहते हैं, उन्हें अपनी कौमी सभाओं का प्रधान बनाते हैं, उनकी गाड़ियाँ खींचते हैं, उन पर फूलों और अशर्फियों की वर्षा करते हैं, उनके नाम से सड़कें, प्रतिमाएँ और संस्थाएँ बनाते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है, आजकल ही क्यों, हमेशा से धन की यही महिमा रही है। पैसे कैसे आए यह कोई नहीं देखता, जो पैसे वाला है उसी की पूजा होती है। जो अभागे हैं, अयोग्य हैं या भीरू हैं, वे आत्मा और सदाचार की दुहाई देकर अपने आंसू पोछते हैं। नहीं, आत्मा और सदाचार को कौन पोछता है। रूप कुमारी खामोश हो गई। अब उसे यह सत्य उसकी सारी वेदनाओं के साथ स्वीकार करना पड़ेगा कि राम दुलारी सबसे ज़्यादा भाग्यवान है। इससे अब त्राण नहीं, परिहास या अनादर से वह अपनी तंगदिली का प्रमाण देने के सिवा और क्या पाएगी। उसे किसी बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वास्तव में लक्ष्मी का वरदान पा गई है, तो रूप कुमारी अपनी किस्मत ठोक कर बैठी रहेगी। समझ लेगी कि दुनिया में कहीं न्याय नहीं है, कहीं ईमानदारी की पूछ नहीं है। मगर क्या सचमुच उसे इस विचार से संतोष होगा। यहाँ कौन ईमानदार है, वही जिसे बेईमानी करने का अवसर नहीं है और न इतनी बुद्धि या मनोबल है कि वह अवसर पैदा कर ले। उसके पति 75 रुपये पाते हैं, पर क्या 10-20 रुपये और ऊपर से मिल जाएं तो वह खुश होकर न ले लेंगे। उनकी ईमानदारी और सत्यवादिता उसी समय तक है जब तक अवसर नहीं मिलता। जिस दिन अवसर मिला, सारी सत्यवादिता धरी रह जाएगी। और क्या रूप कुमारी में इतना नैतिक बल है कि वह अपने पति को हराम का माल हजम करने से रोक दे। रोकना तो दूर की बात है, वह प्रसन्न होगी, शायद पति देव की पीठ ठोकेगी। अभी उनके दफ्तर से आने के समय वह मन मारे बैठी रहती है, तब वह द्वार पर खड़ी होकर उनकी बाट जोहेगी और ज्यों ही वह घर में आएंगे उनकी जेबों की तलाशी लेगी। आंगन में गाना बजाना हो रहा था, राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी हुई थी। न जाने क्यों उसके सिर में दर्द होने लगा था। कोई गाए कोई नाचे, उससे प्रयोजन नहीं, वह तो अभागिन है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात को मेहमान रुखसत होने लगे, रूप कुमारी भी उठी। एक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा, एक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन, मुझे लेने के लिए कार आती होगी, चलो 2-4 दिन मेरे यहाँ रहो फिर चली जाना, मैं जीजा जी को कहला भेजूंगी, तुम्हारा इंतजार न करें। रूप कुमारी का यह अंतिम अस्त्र भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर हालचाल की टोल लेने की इच्छा गायब हो गई। वह अब अपने घर जाएगी और मुंह ढांप कर पड़ी रहेगी। इन फटेहालों में क्यों किसी के घर जाए। बोली, नहीं अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, बच्चे घबरा रहे होंगे, फिर कभी आऊँगी।
क्या रात भर बिना ठहरोगी? नहीं। अच्छा बताओ कब आओगी? मैं सवारी भेज दूंगी, मैं खुद कहला भेजूंगी। तुम्हें याद न रहेगी, साल भर हो गया, भूल कर भी ना याद किया। मैं इसी इंतजार में थी कि दीदी बुलावे तो चलूं। एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी इतनी दूर कि साल भर गुजर जाए और मुलाकात न हो। रूप कुमारी इसके सिवा और क्या कहे कि घर के कामों से छुट्टी नहीं मिलती। कई बार उसने इरादा किया कि दुलारी को बुलाए, मगर अवसर ही न मिला। सहसा राम दुलारी के पति मिस्टर गुरुसेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी सजधज, मुंह में चुरुट, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, जैसे कोई सिविलियन हो। चेहरे से जहानत और शराफत बरस रही थी। वह इतना रूपवान और सजीला है, रूप कुमारी को अनुमान न था। कपड़े जैसे उसकी देह पर खिल रहे थे। आशीर्वाद देकर बोली, आज यहाँ न आती तो मुझसे मुलाकात क्यों होती? गुरुसेवक हंसकर बोला, यह उल्टी शिकायत? क्यों न हो, कभी आपने बुलाया और मैं न गया? मैं नहीं जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझते हो, वह भी तो तुम्हारा ही घर है। राम दुलारी देख रही थी कि मन में उससे ईर्ष्या रखते हुए भी वह कितनी वाणी मधुर, कितनी स्निग्ध, कितनी अनुग्रह प्रार्थनी होती जा रही है। गुरुसेवक ने उदार मन से कहा, हाँ अब मान गया भाभी साहब, बेशक मेरी गलती है, इस दृष्टि से मैंने विचार नहीं किया था, मगर आज तो मेरे घर रही है। नहीं, आज बिल्कुल अवकाश नहीं है, फिर कभी आऊंगी, लड़के घबरा रहे होंगे। राम दुलारी बोली, मैं कितना कह के हार गई, मानती ही नहीं। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठीं। गुरुसेवक ड्राइव करता हुआ चला। जरा देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर बहन से उतरने के लिए आग्रह किया, पर वह न मानी, लड़के घबरा रहे होंगे। आखिर राम दुलारी उससे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरुसेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा और वह ठोस सत्य एक शलाका की भांति उसके कलेजे में चुभ गया। कुछ दूर जाकर गुरुसेवक बोला, भाभी मैंने तो अपने लिए अच्छा रास्ता निकाल लिया, अगर दो चार साल इसी तरह काम करता रहा तो आदमी बन जाऊंगा। रूप कुमारी ने सहानुभूति के साथ कहा, राम दुलारी ने मुझसे बताया था, भगवान करे जहाँ रहो खुश रहो, मगर जरा हाथ पैर संभाल के रहना। मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा भी लेना पाप समझता हूँ भाभी। दौलत का मजा तो तभी है कि ईमान सलामत रहे, ईमान खोकर पैसे मिले तो क्या। मैं ऐसी दौलत को त्याज समझता हूँ और आंख किसकी बचाऊँ, सब सियाह सफ़ेद तो मेरे हाथ में है, मालिक तो रहा नहीं, केवल उसकी बेवा है, उसने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार संभाल न लिया होता तो सब कुछ चौपट हो जाता। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने जिंदा रहे, मगर आदमी को परखना खूब जानते थे। मुझे 100 रुपये पर रखा और 1 महीने में 200 रुपये कर दिया। आप लोगों की दुआ से पहले ही महीने मैंने 12,000 का काम किया। क्या काम करना पड़ता है? रूप कुमारी ने बिना किसी उद्देश्य के पूछा। वही मशीनों की एजेंटी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना, ठंडा जवाब था। रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। द्वार पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके पति उमानाथ द्वार पर टहल रहे थे, मगर रूप कुमारी ने गुरुसेवक से उतरने के लिए आग्रह नहीं किया। एक बार शिष्टाचार के नाते कहा जरूर, पर जोर नहीं दिया, और उमानाथ तो गुरुसेवक से मुखातिब भी न हुए। रूप कुमारी को वह घर अब कब्रिस्तान सा लग रहा था, जैसे फूटा हुआ भाग्य हो। न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले, दो चार टूटी टाटी तिपाइयाँ, एक लकड़ी लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी पुरानी खाटें, यही उस घर की बिसात थी। आज सुबह तक रूप कुमारी इसी घर में खुश थी, लेकिन अब यह घर उसे कांटे खा रहा है। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झिड़क दिया। उसके सिर में दर्द है, वह किसी से न बोलेगी, कोई उसे न छेड़े। अभी घर में खाना नहीं पका, पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध पी लिया है, किंतु उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इसी इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए तो पकाए, पर रूप कुमारी के सिर में दर्द है, मजबूर होकर बाजार से पूड़ियाँ लानी पड़ेंगी। रूप कुमारी ने तिरस्कार के स्वर में कहा, तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों करते रहे? मैंने तो खाना पकाने की नौकरी नहीं लिखाई है,
और जो आज रात मैं वहीं रह जाती। आखिर तुम कोई महाराजिन क्यों नहीं रख लेते, या जिंदगी भर मुझी को पीसते रहोगे? उमानाथ ने उसकी तरफ आहत विस्मय की आंखों से देखा। उसके बिगड़ने का कोई कारण उनकी समझ में ना आया। रूप कुमारी से उन्होंने हमेशा निरापद सहयोग पाया है, निरापद ही नहीं सहानुभूतिपूर्ण भी। उन्होंने कई बार उससे महाराजिन रख लेने का प्रस्ताव खुद किया था, पर उसने बराबर यही जवाब दिया कि आखिर मैं बैठे बैठे क्या करूँगी, 4-5 रुपये का खर्च बढ़ाने से क्या फ़ायदा, यह पैसे तो बच्चों के मक्खन में खर्च होते हैं। और आज वह इतनी निर्ममता से उलाहना दे रही है जैसे गुस्से में भरी हो। अपनी सफाई देते हुए बोले, महाराजिन रखने के लिए तो मैंने खुद तुमसे कई बार कहा, तो लाकर क्यों ना रख दिया, मैं उसे निकाल देती तो कहते। हाँ यह गलती हुई, तुमने कभी सच्चे दिल से नहीं कहा, रूप कुमारी ने और भी प्रचंड होकर कहा। तुमने केवल मेरा मन लेने के लिए कहा, मैं ऐसी भोली नहीं हूँ कि तुम्हारे मन का रहस्य न समझूँ, तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का विचार आया ही नहीं। तुम तो खुश थे कि अच्छी लौंडी मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है, महज खाने और कपड़े पर। यह भी जब घर की ज़रूरतों से बचे 75 रुपलियाँ लाकर मेरे हाथ पर रख देते हो और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है मुझे कितनी कतर व्योत करनी पड़ती है, क्या पहनूं और क्या ओढ़ूं। तुम्हारे साथ ज़िंदगी खराब हो गई। संसार में ऐसे मर्द भी हैं जो स्त्री के लिए आसमान के तारे तोड़ लाते हैं, गुरु सेवक को ही देखो। दूर क्यों जाओ, तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में तुमसे कहीं कम है, मगर 500 का महीना लाता है और राम दुलारी रानी बनी बैठी रहती है। तुम्हारे लिए यही 75 रुपये बहुत हैं, राण माण में ही मगन, तुम नाहक मर्द हुए, तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरतों के दिल में कैसे कैसे अरमान होते हैं, मगर मैं तो तुम्हारे लिए घर की मुर्गी का बासी साग हूँ, तुम्हें तो कोई तकलीफ होती नहीं। तुम्हें तो कपड़े भी अच्छे चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि पुरुष हो, बाहर से कमा कर लाते हो, मैं चाहे जैसी रहूँ तुम्हारी भला से। वाग वाणों का यह सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और उमानाथ चुपचाप सुनते रहे। अपनी जान में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कभी मौका नहीं दिया। उनका वेतन कम है यह सत्य है, पर यह उनके बस की बात तो नहीं। वह दिल लगाकर अपना काम करते हैं, अफसरों को खुश रखने की सदैव चेष्टा करते हैं। इसी साल बड़े बाबू के छोटे सुपुत्र को 6 महीने तक बिना नागा पढ़ाया, इसीलिए तो कि वह प्रसन्न रहें। अब वह और क्या करें, रूप कुमारी की खवगी का रहस्य वह समझ गए। अगर गुरु सेवक वास्तव में 500 रुपये लाता है तो बेशक वह भाग्य का बलि है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। किसी संयोग से उसे यह अवसर मिल गया, मगर हरेक को तो ऐसे अवसर नहीं मिलते। वह इसका पता लगाएंगे कि सचमुच उसे 500 ही मिलते हैं या महज डिंग है। और मान लिया कि 500 मिलते हैं तो क्या इससे रूप कुमारी को यह हक है कि वह उनको ताने दे और उन्हें जलीकटी सुनाए? अगर इसी तरह वह भी रूप कुमारी से ज़्यादा रूपवती और सुशील रमणी को देखकर रूप कुमारी को कोसना शुरू करें तो कैसा हो? रूप कुमारी सुंदरी है, मृदुभाषिणी है, त्यागमयी है, लेकिन उससे बढ़कर सुंदरी मृदुभाषिणी त्यागमयी देवियों से दुनिया खाली नहीं है, तो क्या इस कारण वह रूप कुमारी का अनादर करें? एक समय था जब उनकी नज़रों में रूप कुमारी से ज़्यादा रूपवती रमणी संसार में न थी, लेकिन वह उन्माद कब का शांत हो गया। भावुकता के इस संसार में वास्तविक जीवन में आए उन्हें एक युग बीत गया। अब तो विवाहित जीवन का उन्हें काफ़ी अनुभव हो गया है, एक दूसरे के गुण दोष मालूम हो गए हैं, अब तो संतोष ही में उनका जीवन सुखी रह सकता है। मगर रूप कुमारी समझदार होकर भी इतना मोटी सी बात नहीं समझती। फिर भी उन्हें रूप कुमारी से सहानुभूति हुई। वह उदार प्रकृति के आदमी थे और कल्पनाशील भी। उसकी कटु बातों का कुछ जवाब नहीं दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन के ठाठ देखकर एक क्षण के लिए रूप कुमारी के मन में ऐसे निराशाजनक और अन्यायपूर्ण दुखद भावों का उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। रूप कुमारी कोई सन्यासिनी नहीं, विरागिनी नहीं कि हर दशा में अविचलित रहे।
इस तरह अपने मन को समझाकर उमानाथ ने गुरु सेवक के विषय में तहकीकात करने का संकल्प लिया। एक सप्ताह तक रूप कुमारी मानसिक अशांति की दशा में रही, बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, पति को कोसती, अपने नसीबों को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता था, लेकिन अब इस काम में उसे आनंद न आता था, बेगार सी टालती थी। घर की जिन पुरानी धुरानी चीज़ों से उसका आत्मीय संबंध सा हो गया था, जिनकी सफाई और सजावट में वह व्यस्त रहा करती थी, उनकी तरफ अब आँख उठाकर भी न देखती। घर में एक ही खिदमतगार था। उसने जब देखा बहू जी घर की तरफ से खुद ही लापरवाह हैं, तो उसे क्या गरज थी कि सफाई करता। जो चीज़ जहाँ पड़ी थी वहीं पड़ी रहती, कौन उठाकर ठिकाने से रखे। बच्चे माँ से बोलते डरते थे और उमानाथ तो उसके साए से भागते थे। जो कुछ सामने थाली में आ जाता उसे पेट में डाल लेते और दफ्तर चले जाते। दफ्तर से लौटकर दोनों बच्चों को साथ ले लेते और कहीं घूमने निकल जाते। रूप कुमारी से कुछ कहना बारूद में दिया सलाई लगाना था। हाँ, उनकी यह तहकीकात जारी थी। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरु सेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिनों के बाद परिस्थिति से सहयोग कर लिया था और इस वक्त झाड़न लिए कुर्सियाँ और तिपाइयाँ साफ कर रही थी कि गुरुसेवक ने अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल में कट गई। उमानाथ पर ऐसा क्रोध आया कि उसका मुंह नोच ले। इन्हें लाकर यहाँ क्यों खड़ा कर दिया, न कहना न सुनना, बस बुला लाए। उसे इस दशा में देखकर गुरुसेवक दिल में क्या कहता होगा। मगर इन्हें अक्ल आई ही कब थी, वह अपना पर्दा ढांकती फिरती है और आप उसे खोलते फिरते हैं। जरा भी लज्जा नहीं, जैसे बेहाई का बाना पहन लिया है, बरबस उसका अपमान करते हैं। न जाने उसने उनका क्या बिगाड़ा है। आशीर्वाद देकर कुशल समाचार पूछा और कुर्सी रख दी। गुरु सेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है, मैं उनकी दावत पर तो न आता, लेकिन जब उन्होंने कहा तुम्हारी भाभी का कड़ा तकाजा है, तब मुझे समय निकालना पड़ा था। रूप कुमारी ने बात बनाई, घर का कलह छिपाना पड़ा। तुमसे उस दिन कुछ बात न हो पाई, जी लगा हुआ था। गुरुसेवक ने कमरे के चारों तरफ नज़र दौड़ाकर कहा, इस पिंजड़े में तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती होगी। रूप कुमारी को ज्ञात हुआ यह युवक कितना सुरुचिहीन, कितना अरसिक है, दूसरों के मनोभावों का आदर करना जैसे जानता ही नहीं। इसे इतनी सी बात भी नहीं मालूम कि दुनिया में सभी भाग्यशाली नहीं होते, लाखों में एक ही कहीं भाग्यवान निकलता है, और उसे भाग्यवान ही क्यों कहा जाए। जब बहुतों को दाना न मयसर हो, वहाँ थोड़े से आदमियों के भोग विलास में कौन सा सौभाग्य। जहाँ बहुत से आदमी भूखों मर रहे हों, वहाँ दो चार आदमी मोहन भोग उड़ाए, तो यह उनकी बेहाई और हृदयहीनता है, सौभाग्य कतई नहीं। कुछ चिढ़ कर बोली, पिंजड़े में कटघरे से रहने से तो अच्छा है ना, पिंजड़े में निरीह पक्षी रहते हैं, कटघरा तो घातक जंतुओं का ही निवास स्थान है। गुरु सेवक शायद यह संकेत न समझ सका, बोला, मेरा तो इस घर में दम घुट जाए, मैं आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान ठीक करा दूंगा, खूब लंबा चौड़ा, आपसे कुछ किराया न लिया जाएगा, मकान हमारी मालकिन का है, मैं भी उसी के एक मकान में रहता हूँ, सैकड़ों मकान हैं उनके पास, सैकड़ों, सब मेरे अख्तियार में है, जिसे जो मकान चाहूँ दे दूँ, मेरे अख्तियार में है, किराया लूँ या न लूँ, मैं आपके लिए सबसे अच्छा मकान ठीक करूँगा, मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। रूप कुमारी समझ गई, महाशय इस वक्त नशे में हैं, अभी यों बहक रहे हैं। अब उसने गौर से देखा तो उनकी आँखें सिकुड़ गई थीं, गाल कुछ फूल गए थे, जबान भी लड़खड़ाने लगी थी। एक जवान खूबसूरत शरीफ चेहरा कुछ ऐसा शेखीबाज और निर्लज हो गया कि उसे देखकर घृणा होती थी। उसने एक क्षण बाद फिर बहकना शुरू किया, मैं आपका बहुत अदब करता हूँ जी, जी हाँ, आप मेरी बड़ी भाभी हैं, आपके लिए मेरी जान हाजिर है, आपके लिए एक मकान नहीं 100 मकान तैयार हैं, मैं मिसेज लोहिया का मुख्तार हूँ, सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ, मैं जो कहता हूँ वह आँखें बंद करके मंजूर कर लेती हैं, मुझे अपना बेटा समझती हैं, मैं उसकी सारी जायदाद का मालिक हूँ,
मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपये पर रखा, 20 रुपये पर। वह बड़ा मालदार था, मगर किसी को नहीं मालूम उसकी दौलत कहाँ से आती थी, किसी को नहीं मालूम, मेरे सिवा कोई नहीं जानता। वह खुफिया फरोश था, किसी से कहना नहीं, वह चोरी से कोकिन बेचता था, लाखों की आमदनी थी उसकी। अब वही व्यापार मैं करता हूँ, हर शहर में हमारे खुफिया एजेंट हैं। मिस्टर लोहिया ने मुझे इस फन में उस्ताद बना दिया। जी हाँ, मजाल नहीं कि मुझे कोई गिरफ्तार कर ले। बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है, उनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूंस ठूंस कर उनकी आवाज़ बंद कर देता हूँ, कोई चूँ नहीं कर सकता। दिन दहाड़े बेचता हूँ, हिसाब में लिखता हूँ 1,000 रिश्वत दी, देता हूँ 500, बाकी यारों का है। बेदरेग रुपये आते हैं और बेदरेग खर्च करता हूँ, बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है, 70 चूहे खा के अब हज करने चली है। कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। जेब से नोटों का एक बंडल निकाल कर उसने दिखाया, यह आपके चरणों की भेंट है, मुझे दुआ दीजिए कि इसी शान से ज़िंदगी कट जाए। जो आत्मा और सदाचार के उपासक हैं उन्हें कुबेर लाते मारता है, लक्ष्मी उनको पकड़ती है जो उसके लिए अपना दीन और ईमान सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। मुझे बुरा न कहिए, मैं कौन मालदार हूँ, जितने धनी हैं वे सबके सब लुटेरे हैं, पक्के लुटेरे डाकू। कल मेरे पास रुपए हो जाएं और मैं एक धर्मशाला बनवा दूं, फिर देखिए मेरी कितनी वाह वाह होती है। कौन पूछता है मुझे दौलत कहां से मिली, जिस महात्मा को कहिए बुलाकर उससे प्रशंसा करवा लूं। मिस्टर लोहिया को महात्माओं के ने धर्मभूषण की उपाधि दी थी, इन स्वार्थी पेट के बंदरों ने। उस बूढ़े को जिससे बड़ा कुकर्मी संसार में न होगा, यहाँ तो लूट है। एक वकील आध घंटे बहस करके 500 मार लेता है, एक डॉक्टर जरा सा नस्तर लगाकर 1,000 सीधा कर लेता है, एक जुआरी स्पेकुलेशन में एक एक दिन में लाखों का वारा न्यारा करता है। अगर उनकी आमदनी जायज़ है तो मेरी आमदनी भी जायज़ है, जी हाँ जायज़ है। मेरी निगाह में बड़े से बड़े मालदार की भी कोई इज्जत नहीं, मैं जानता हूँ वह कितना बड़ा हथकंडेबाज है। यहाँ जो आदमी आँखों में धूल झोंक सके वही सफल है, गरीबों को लूटकर मालदार हो जाना समाज की पुरानी परिपाटी है। मैं भी वही करता हूँ जो दूसरे करते हैं, जीवन का उद्देश्य है ऐसा करना। खूब लूटूंगा, खूब ऐश करूंगा और बुढ़ापे में खूब खैरात करूंगा और एक दिन लीडर बन जाऊंगा, कहिए गिना दूं। यहाँ कितने लोग जुआ खेल खोल कर करोड़पति हो गए, कितनी औरतों का बाजार लगा कर करोड़पति हो गए। सहसा उमानाथ ने आकर कहा, मिस्टर गुरुसेवक क्या कर रहे हो, चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। गुरुसेवक ऐसा हड़बड़ा उठा मानो अपने सचेत रहने का प्रमाण देना चाहता हो, मगर पांव लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़ा, फिर संभल कर उठा और झूमता झामता ठोकरें खाता बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आज़ादी की सांस ली, यहाँ बैठे बैठे उसे हौल दिल सा हो रहा था, कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी। जो प्रेरणाएं कई दिन से अच्छे अच्छे मनोहर रूप भरकर उसके मन में आ रही थी, आज उसे उनका असली विभत्स घिनावना रूप नजर आया। जिस त्याग सादगी और साधुता के वातावरण में अब तक उसकी जिंदगी गुजरी थी, उसमें इस तरह के दांव पे छल कपट और पतित स्वार्थ का घुसना बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी बाग में सांडों का एक झुंड घुसाए। इन दामों वह दुनिया की सारी दौलत और सारा ऐश खरीदने को भी तैयार न हो सकती थी। नहीं, अब राम दुलारी के भाग्य से अपने भाग्य का बदला न करेगी, वह अपने हाल में खुश है। राम दुलारी पर उसे दया आई, जो भोग विलास की धुन और अमीर कहलाने के मोह में अपनी आत्मा का सर्वनाश कर रही है। मगर वह बेचारी करे भी तो क्या, और गुरुसेवक का भी क्या दोष है, जिस समाज में दौलत पूजती है, जहाँ मनुष्य का मोल उसके बैंक अकाउंट और टिम टाम से आंका जाता है, जहाँ पग पग पर प्रलोभनों का जाल बिछा हुआ है और समाज की कुव्यवस्था आदमी में ईर्ष्या द्वेष अपहरण और नीचता के भावों को उकसाती और उभारती रहती है, गुरुसेवक और राम दुलारी उस जाल में फंस जाएं, उस प्रवाह में बह जाएं, तो कोई अचरज नहीं। उसी वक्त उमानाथ ने आकर कहा, गुरुसेवक यहाँ बैठा बैठा क्या बहक रहा था, मैंने तो उसे विदा कर दिया, जी डरता था कहीं पुलिस उसके पीछे न लगी हो, नहीं तो मैं भी गेहूं के साथ घुन की तरह पिस जाऊं।
रामकुमारी ने क्षमा प्रार्थी नेत्रों से उन्हें देखकर जवाब दिया। वही अपनी खुफिया फरोशी की डींग मार रहा था। मुझे भी मिसेज लोहिया से मिलने को कहा गया। जी नहीं, आप अपनी क्लर्की किए जाइए, इसी में हमारा कल्याण है। मगर क्लर्की में वह ऐश कहाँ, क्यों ना साल भर की छुट्टी लेकर जरा उस दुनिया की भी सैर करूँ। मुझे अब इस ऐश का मोह नहीं रहा। दिल से कहती हो? हाँ, सच्चे दिल से। उमानाथ एक मिनट तक चुप रहने के बाद फिर बोले, मैं आकर तुमसे यह वृतांत कहता तो तुम्हें विश्वास आता या नहीं? सच कहना? कभी नहीं। मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकती थी कि अपने स्वार्थ के लिए कोई आदमी दुनिया को विष खिला सकता है। मुझे सारा हाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर से मालूम हो गया था। मैंने उसे खूब शराब पिला दी थी कि नशे में बहकेगा जरूर और सब कुछ उगल देगा। ललचता तो तुम्हारा जी भी था। हाँ, ललचता तो था और अब भी ललच रहा है, मगर ऐश करने के लिए जिस हुनर की ज़रूरत है वह कहाँ से लाऊँगा। ईश्वर न करे वह हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आती है, मालूम नहीं खैरियत से घर पहुँच गया या नहीं। उसकी कार थी, कोई चिंता नहीं। रूप कुमारी एक क्षण जमीन की तरफ ताकती रही, फिर बोली, तुम मुझे दुलारी के घर पहुँचा दो, अभी शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूँ। जिस बाग की वह सैर कर रही है उसके चारों ओर निशाचर घात लगाए बैठे हैं, शायद मैं उसे बचा सकूं। उमानाथ ने देखा उसकी छवि कितनी दया पुलकित हो उठी है। कहानी पाठ राजीव रंजन गिरी। शुक्रिया।